अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहनवाज अली कादरी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। एक ट्रैफिक हादसे के अंदर 14 अफराद जख्मी हुए हैं जिसमें 8 बच्चे भी शामिल हैं। यह हादसा जमाली पुल के करीब पेश आया है। एक मुसाफिर बस और ट्रक के दरमियान तसादुम हुआ है। ये वो वैन है जिसमें बच्चे अभी सवार थे। अलावा एक और आपको पीछे मेरे नज़र आ रही होगी, वो कार है, ट्रक है जिसमें यह वाकया पेश हुआ है। सबको तबीब इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और उनकी हालत जो है ख़तरे से बाहर है। लेकिन एक अहम मसला यहाँ पर यह है कि इस हाईवे के पास आसपास कोई अस्पताल मौजूद नहीं है और अस्पताल ना होने की वजह से फौरी तबीब इमदाद देने में खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। गुज़श्ता रात भी एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था जब नूरियाबाद में आग लगी एक बस के अंदर और 18 से ज़ायद जो है अफराद झुलस कर जा भाग चुका है। तो फिलहाल खासी अबतर होती जा रही है, ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक यू टर्न बना हुआ है, आप देख सकते होंगे तो यहाँ पर यू टर्न है, वो मेन वजह है हादसात की। अगर यहाँ पर बैरिक्स या बैरियर्स लगा दिए जाएँ तो उससे हादसात की में थोड़ी कमी आ सकती है। यहाँ पर जो मजीद सूरत हाल बनती है उसके अगर आप आगाह रहना चाहते हैं या इसी तरीके से शहर में होने वाले क्राइम और दीगर अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।